सर हमारी ऑडियंस को प्लीज अपने बारे में बताइए। मैं एक ऐसे शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूँ जिसने शायद भेष बदलकर ऑपरेशन करना, जिसे अंडरकवर ऑपरेशन कहते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, उसकी परिभाषा को रियल लाइफ में बदल दिया। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह ना करते हुए कि वहां पर 25 से ज्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहा लेने पहुंच गया कि उसके देश की एक इंच भी मिट्टी पर आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक उसकी जान में जान है। और चार आतंकवादियों को मारने के बाद अपने दो साथियों को बचाते बचाते छाती पर खोली खाने के बाद ये कहते कहते चला गया कि इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। मैं उसका बड़ा भाई हूं और मुझे बहुत गर्व होता है, मेरी छाती फूल जाती है जब मैं ये बताता हूं कि मैं मोहित शर्मा का बड़ा भाई हूं। मैं सुशीला शर्मा मदर हूँ मेजर मोहित शर्मा की। देश के प्रति उसका एक अलग सा लगाव था, उसने अपने आप को इतना मांझ लिया था फौज के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई कितना सैक्रिफाइस कर सकता है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कोई भी टेररिस्ट के साथ रह नहीं सकता, वो सिंगल हैंडेड रहा है विदाउट मतलब एनी एम्यूशन। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की यार। उसका सबसे बड़ा जुनून यही था कि मुझे आतंकवादियों के साथ में ही लड़ना है। जब वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रहा है तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रह के अपने आप को उसने एक्सट्रीमिस्ट सो गया और पाकिस्तान में वो गया एक्सट्रीमिस्ट के साथ। और जब लास्ट मोमेंट में उसको ये शो हो गया कि अब उन लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो गया है, AK-40 साइबर राइफल से उनकी रखी हुई थी, उसको उठाकर दोनों एक्टिविस्ट को इंस्टेंटली उसने दोनों मर्डर कर दिया। हमको खबर मिली थी कि आज वो शहीद हो गया देश के नाम पर। दुख था क्योंकि बेटा खोया है, लेकिन बहुत बड़ा गर्व भी था कि आज मेरा बेटा देश के काम आया है। जिस पर्पज से वो गया था फौज के अंदर, उसने अपनी ड्यूटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया है और मातृभूमि के लिए अपनी जान नौछावर की है। मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। उसकी जगह हमारे घर में ऐसी हो गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें। अब तक 10 साल हो गए उसको गए हुए, जिस कोने में खड़े होते हैं ऐसे लगता है कि शायद मोहित अभी आएगा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। हमारे घर में दिवाली शुरू होगी तो पहले दीपक उसका जलाया जाएगा। रक्षाबंधन है, पहले मेरी बेटियां पोतियां राखी भाई चाचा को बांधती हैं, फिर किसी रिलेशन को बांधती हैं। उसका बर्थडे होता है तेरे, हालांकि दुनिया मनाती है लोहड़ी के रूप में, तो मैं तो सोचती हूँ उसका बर्थडे तो सारा समाज मनाता है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये रूम ये पूरा मोहित का ही है, तो इसमें आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन लगता है हमें। मेरे ख्याल से अगर वो अभी भी होता तो यही कर रहा होता, मैं यहाँ बैठा हूँ तो प्रॉब्ली वो मेरे बगल में शायद गिटार लेके बैठा होता, बजा रहा होता, मेरे बच्चों को शायद गिटार सिखा रहा होता, या मेरे बच्चों को शायद बंदूक चलाना सिखा रहा होता, निशाना लेना सिखा रहा होता। आज मोहित हमारे साथ होता तो 43 इयर्स ओल्ड होता, उसके भी बच्चे होते, मेरे बच्चों के कजिन्स भी होते, घर में एक अलग तरीके की रौनक होती और ही वुड हैव बीन अ कर्नल नाउ। वो साथ होता तो हमारी लाइफ, हमारा परिवार और उसकी जो रौनक होती वो कुछ अलग ही होती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने नाम की तरह था, सबका मन मोहने वाला, मोहित करने वाला था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।